गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सारे लाइव आ जाएं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाएं बच्चे। जी ओके बच्चे, देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बचा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, और इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम देख लेते हैं। देखिए भाई साहब, हमें क्या करना है, हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जैसे हमने समझ लिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें आगे अगर पंप जोड़ने पड़े, मतलब हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए, किस चीज की, हेड अगर ज्यादा चाहिए, हमें डिस्चार्ज और ज्यादा हाई चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पंप्स इन पैरेलल और एक होता है पंप्स इन सीरीज, कि या तो हम सीरीज में जोड़ दें पंप्स को या हम पैरेलल में जोड़ दें, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो एक्चुअल में जब आप जोड़ के देखोगे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये फोटो क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये देखेंगे आप तो यहाँ पे पंप दिख रहे होंगे आपको दो, तो ये दो पंप है, इस तरह से हम जोड़ते हैं। यहाँ पे मोटर आपको पीछे दिख रही है और आगे पंप है, तो आप इनको जोड़ देते हो आपस में, और या पैरेलल में या सीरीज में। अब इसका फंडा क्या है कि हमें पैरेलल में जोड़ना है या सीरीज में जोड़ना है, कब हमें पता लगे कि कैसे जोड़ना है, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आपने हमेशा याद रखना है। देखिए जब भी हमें हाई हेड चाहिए होगा, हाई हेड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, हमें हेड नहीं मिल पाता, हमें हेड नहीं मिल पाता, हमें जो है डिस्चार्ज अच्छा मिल जाता है लेकिन उसके अंदर हमें हेड हाई नहीं मिल पाता, तो हम क्या करें, तो हमें करना ये पड़ता है कि हम इसको सीरीज में लगा दें। अगर तो हम क्या करेंगे, एक यहां से उठाएंगे, एक पंप यहां लगाएंगे, ठीक है, और एक पंप यहां पे लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे। मतलब है कि यहां से जो निकलेगा हमारे पास, यहां से मान लीजिए आउटलेट हम यहां पे बना लेते हैं कि ये आउटलेट है यहां से, और ये आउटलेट जब निकला, आउटलेट यहां से निकला और ये आउटलेट से हमने क्या कर दिया, इसको इनपुट दे दी कि ये जो है यहां से इनपुट दे देगा, यहां से इनपुट दे देगा सेकेंड वाले को, तो ये सेकंड वाले को इनपुट दे देगा, तो मेरे पास क्या होगा, फ्लूइड यहां पे हाई प्रेशर वाला फ्लूइड निकलेगा, हाई प्रेशर वाला निकलेगा। मान लीजिए आपके पास यहां पे जो एंट्री हो रही थी यहां से, ओके, यहां से एंट्री हो रही थी, ये देखिए, ये मान लीजिए कि एक बार का प्रेशर था, तो इसने मान लीजिए कि आपको 5 बार का प्रेशर बना के दे दिया, 5 बार का प्रेशर बना के दे दिया। अब यहां से जो निकलेगा फ्लूइड और इसको हम एंटर करवाएंगे नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप में, उसमें करेंगे तो अब जो आउटलेट निकलेगा, अब इसका क्या है, ये 5 बार पे पहले ही है, तो 5 बार के बाद इसको आउटलेट जब निकलेगा, यहां से हम निकालेंगे कि प्रेशर और हाई हो गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर जो है वो हाई हो चुका होगा, तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे बेटा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको हम आउटलेट पे इस तरह से दिखा देंगे कि यहां से आउटलेट है और ये हमारा फ्लूइड जो है, जो हमारा लिक्विड जो है वो और ज्यादा प्रेशर पे आ चुका है, और यहां पे मान लेते हैं कि 8 बार का प्रेशर हमें मिल गया। तो ये क्या है, हमें सीरीज में पंप्स इन सीरीज, तो सीरीज में पंप लग रहा है, ओके, पंप्स इन सीरीज। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हाई हेड देखने के लिए हम फॉर हाई हेड, इसको आप लिख लीजिए किसके लिए है, फॉर हाई हेड, ये क्या है, पंप्स इन सीरीज करेंगे। इजी है बेटा, इजी है ये। अब इसी तरह हम कहें कि पैरेलल की बात कर लें, पैरेलल की बात करते हो तो यहां पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक है, तो मैं इस तरह से मान लेता हूं कि यहां पे पानी है, यहां पे बहुत सारा पानी है, ओके, और इस पानी में से हमने एक पाइप लगाई और इसको पाइप के थ्रू एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ जोड़ दिया, और यहां पे मैं एक वर्म पंप बना देता हूं कि ये मेरे पास एक पंप है भाई साहब, और ये मेरे पास एक पंप है, यहां पे एक पंप बना देते हैं, यहां पे भी एक पंप बना देते हैं,
ओके, तो ये दोनों मिलके या तीन मिलके या चार मिलके, जो भी जितने मर्जी हम जोड़े वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है। तो यहां से जोड़ा, यहां से पानी लिया, फ्लूइड इस यहां से उठाएगा, ये लिक्विड को उठाएगा और सेंट्रीफ्यूगल पंप इसको पंप अप कर देगा और यहां से डिस्चार्ज हमें मिलेगा। यहां से नंबर वन का डिस्चार्ज हमें यहां से मिलेगा और नंबर टू वाला डिस्चार्ज जो है वो यहां से मिलेगा हमें, नंबर टू का डिस्चार्ज। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से एड अप हो जाएगा, ये हम इस तरह से बना देंगे कि ये दोनों आपस में इस तरह से मिल रहे हैं। मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? और यहां पे हम इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारे पास यहां पे मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो इस तरह से आप दिखा देंगे कि ये हमें मिल रहा है यहां से, और डिस्चार्ज हम दोनों का मिला के बाहर निकाल देंगे, दोनों का कहेंगे कि लो जी डिस्चार्ज हमें मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है और इसको हम यहां से डिस्चार्ज जो है वो फाइनली हम यहां से निकाल देंगे। इजी है बेटा ये चीज, इजी है। तो ये देखिए, ओके ओके बच्चे, तो ये क्यू वन डिस्चार्ज यहां से आएगा बेटा, क्यू वन, और ये क्यू टू आएगा, क्यू टू आएगा और यहां पे मिलके क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाएगा, तो ये टोटल है डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा। तो आप साफ सी बात देख सकते हैं कि यहां पे पैरेलल के केस में अगर देखोगे तो हमारे पास डिस्चार्ज बढ़ रहा है, अगर सीरीज में देखोगे तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है, हमारे पास हाई हेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर 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 हाई डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज के लिए, ज्यादा डिस्चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, हम पंप्स इन पैरेलल को यूज करेंगे, पंप्स इन पैरेलल, ओके। तो ये हम यूज करेंगे बेटा, इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर आगे चलेंगे, ओके बेटा, इसको लिख लीजिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था और ये रह गया था मेरे से, तो मैंने सोचा आपको करवा दूं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से बनते हैं और कुछ बातें हैं जो हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, ओके। और इनका डिफरेंस रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप का, दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा मेन माना जाता है, तो ये हम करेंगे एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे, ओके। तो हमारे पास इस तरह से होते हैं बेटा, अब स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है बेटा, क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये बड़ा सिंपल सा है बेटा, क्या है, हमारे पास एक क्रैंक है, क्रैंक जब रोटेट करेगी तो यहाँ पे एक प्लंजर है जिसको हम पिस्टन बोल देते हैं, कि पिस्टन हम मोस्टली केसेस में बोल देते हैं हमारे पास इंजन के केसेस में, क्योंकि इंजन के केसेस में वहां पे क्या हो रहा है, हीट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वहां पे आग चलनी है, तो उस केस में पिस्टन बोल देते हैं। कई जो आपको बुक्स में देख रहे हो प्लंजर देखने को मिलेगा, तो प्लंजर में ये डिफरेंस होता है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि प्लंजर क्या है, तो प्लंजर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। बेटा हैंड रेस तभी करें अगर आपने कोई बात बोलनी है और क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो हैंड रेस ना करें, ओके बेटा। तो हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये है वही इंजन की तरह, आप बस अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, अगर देखो चीजें वही हैं, चीज तो वही होती है लेकिन उसको घुमा फिरा के दिखाया जाता है आपको, ठीक है। देखो इस तरह से, ये देखो, अगर मैं इस तरह से बना दूं तो ये देखो इंजन बन गया, इंजन बन गया कि नहीं, ये देखो क्रैंक चल रही है और ये पिस्टन चल रहा है, यही चीज है, लेकिन हमने बस इसको क्या दिखा दिया है कि यहाँ पे नहीं जी भाई साहब, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है। पिस्टन वही सिलेंडर की तरह, इंजन की तरह सारा आपको दिखेगा, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रैंक चल रही है और ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर रहा है। यहां के मेन पार्ट्स जो बात करें तो यहां पे बेटा पानी है, ये पानी है जहां से आपने पानी उठाना है, देखो पानी उठाना है और उसको हाई हेड पे, हाई हाइट पे हमें पहुंचाना उसे, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे सक्शन पाइप होगी, ये है सक्शन पाइप, और नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है ये डिलीवरी पाइप, ओके। तो ये डिलीवरी पाइप है, तो हमारे पास अगर हमें यहां से पानी उठाना है तो हमें एक सेंटर पॉइंट इसका लेना पड़ेगा बेटा, इसका अगर एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, यहां पे एक सेंटर पॉइंट है ये रहा,
ओके यहां पे एक सेंटर पॉइंट हम बताते हैं कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी, ये वाली हाइट जो होगी, इसको हम कहेंगे यहां पे सक्शन हेड, सक्शन सक्शन हेड, इतना हेड हमारे पास सक्शन हेड है। और नेक्स्ट हमारे पास यहां से लेके ऊपर तक जहां तक हमें पानी लेके जाना है, और यहां से लेके जहां तक हमें पानी लेके जाना है, तो वो पॉइंट जो होगा उसको हम कहेंगे यहां पे डिलीवरी हेड, डिलीवरी डिलीवरी हेड। बात समझ आएगी बेटा, डिलीवरी हेड। तो दो तरह का होगा यहां पे, डिलीवरी हेड इस तरह से, सक्शन हेड हम एचएस इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, सॉरी सर नेट स्लो है तो हो गया। ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। राहुल जी मुझे पता है आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आपको एक सजेशन दूंगा, जो भी बार बार नया ज्वाइन करता है आपको एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी बीच में स्टार्ट मत करें, आप पहले फिजिक्स से स्टार्ट करें। ठीक है, बार बार कहता रहता हूँ, फिजिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स की सारी चीजें, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर उसके बाद फ्लूइड मशीनरी, ऐसे चलना है। जैसे मैंने ऐप में डाल रखे हैं सब्जेक्ट्स, उसी तरह से आपको पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब है क्या बेटा, सक्शन हेड है, ये डिलीवरी हेड है। तो हमारे पास मेरे बेटा करना कैसे है, वो होगा क्या, और मेन पार्ट इसमें और क्या आ जाते हैं, ये आ जाता है यहां पे इनलेट वॉल्व। ये क्या है, इनलेट वॉल्व, और ये है आउटलेट वॉल्व। जब हमारे पास पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा, जब हमारे पास पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। जैसे हर जगह पे हम करते हैं बेटा, हर जगह पे हम करते हैं कि कहीं पे भी हमें सक्शन करनी है, खींचते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए पिचकारी होती है आपके पास, होली में पिचकारी तो यूज करते हो आप, जब खींचते हो तो उसका प्लंजर क्या कर रहा है, यहां पे लो प्रेशर बना रहा होता है, लो प्रेशर बनाता है। इसीलिए क्या होता है, यहां पे लो प्रेशर होने के कारण यहां वाला है एटमोस्फेरिक प्रेशर बेटा, यहां पे क्या है पी एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक, और यहां पी एटमोस्फेरिक से लो प्रेशर बनेगा तो इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी जो है इसके अंदर आ जाएगा, पानी जो है इसके अंदर आ जाएगा, प्लंजर जो है वो पीछे जाएगा, यहां पे पानी फिल हो जाएगा। जब यहां पे पूरा पानी फिल हो जाएगा तो सक्शन जो वॉल्व है, यहां पे जो इनलेट वॉल्व है वो बंद हो जाएगा, और जब हम यहां से प्रेशर डालेंगे कि चल आगे, इस पिस्टन को मूव कराएंगे, तो ये डिलीवरी वॉल्व जो है, आउटलेट वॉल्व है, ये ओपन हो जाएगा और यहां से पानी ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल सी बात है, पिचकारी है बेटा और कुछ नहीं है, खींचो धकेलो, खींचो धकेलो, बस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि आपने खींचना है फिर धकेलना है इस तरह से। और जब ये फोर्स पड़ता है, ये एक्चुअली क्या रहा है, यहां पे फोर्स पड़ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल वाले केस में आप देखोगे तो हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमने वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कराई थी और बाद में हमने प्रेशर इंक्रीज करवाया था। लेकिन यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन कोई नहीं हो रहा, यहां पे आप देखोगे तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो फोर्स एक्सर्ट होने के कारण प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे बच्चे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करने के लिए इसको फॉलो करोगे आप, इसको फॉलो करोगे आप, तो यहां पे इस तरह से चलेगा ये। अब और पानी ये देखो आ गया इसके अंदर, डिलीवरी वॉल्व अभी बंद है और ये सक्शन वॉल्व बंद, अब इसने जब धकेलना तो डिलीवरी वॉल्व ओपन और यहां पर पानी ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से चलता है, ठीक है, इस तरह से चलेगा। लेकिन आप एक चीज नोट करो इसके अंदर, इसके अंदर नोट करोगे तो भाई साहब ये देखो अभी तो डिलीवरी मिल रही है, अभी तो डिलीवरी मिल रही है, लेकिन चाहे 0.1 सेकंड के लिए कट हो डिलीवरी तो आप देखो क्यों, क्योंकि डिलीवरी और बंद हो जाएगा। ये देखो अभी डिलीवरी वो बंद, अभी कोई नहीं आ रहा था पानी, अब आ गया पानी, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब बार बार कभी आ रहा है पानी, कभी नहीं आ रहा। सेंट्रीफ्यूगल में ये दिक्कत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल में भाई लगातार निकल रहा है पानी, वहां पे कोई टेंशन नहीं, यहां पे हमें टेंशन होती है कि कभी मिल रहा है पानी कभी नहीं मिल रहा। लेकिन इस केस में एक चीज नोट करने वाली है कि हाई प्रेशर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसमें बात स्पेशल क्या लिखोगे, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, पहली बात हम इनके बारे में लिखें कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कर क्या रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे पास कर क्या रहा है, इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है हमारे पास, कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी में, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक एनर्जी में, एनर्जी में,
ओके तो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पहली बात तो यही है, पहली बात तो ये। और इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, और इसीलिए ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब एक आप डिस्प्लेस कर रहे हो, फ्लूइड को धक्का लगा रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, एक जगह से मोशन दे रहे हो, जैसे आप कहते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, उसी तरह ये वर्क कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है पानी को, यहां से ला रहा है और ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसको भी हमेशा के लिए याद कर लो, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको नोट करेंगे बेटा, ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डिस्प्लेसमेंट पंप, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। बात समझ आएगी बेटा, बात समझ आएगी, ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो हमने करनी है, और इसमें हम क्या करेंगे, ये मेन बात है कि हम इसमें डिफरेंस जरूर नोट कर ले बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों के बीच हमेशा कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस पूछा ही जाता है, ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक तरफ है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरफ है। पहली बात, सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें लार्ज डिस्चार्ज देगा और स्मॉल हेड देगा, सेंट्रीफ्यूगल में हमें डिस्चार्ज अच्छा मिलता है लेकिन हेड नहीं मिलता, हेड नहीं मिलता हमें, ये प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है, तो हेड नहीं मिलेगा हमें। और यहां पे है कि लेस डिस्चार्ज मिल रहा है लेकिन हायर हेड मिल रहा है, हेड हायर है लेकिन डिस्चार्ज कम है, तो उल्टा है एक दूसरे के, एक दूसरे के उल्टा है। तो कहीं ना कहीं हम दो जोड़कर, तीन जोड़कर, चार जोड़कर, उनको जोड़कर फिर चला लेते हैं, फिर चला लेते हैं, दिमाग भी हमारा है। इसमें है रिक्वायर्ड लेस फ्लोर स्पेस एंड सिंपल फाउंडेशन, सिंपल फाउंडेशन चाहिए, छोटा सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल देखोगे तो बड़ा आराम से रखा जाता है, उसको उठा के भी कहीं पे आराम से रख दो, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन इसमें फ्लोर स्पेस ज्यादा चाहिए और हैवी फाउंडेशन चाहिए इसके लिए, फाउंडेशन हैवी चाहिए। इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आती है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारे पास कैन हैंडल डर्टी वाटर, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे डर्टी वाटर को ये हैंडल कर सकता है, यहां पे कैन नॉट हैंडल डर्टी वाटर, ओके, और यहां पे है कैन रन एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे चल सकता है, आप देखिए आरपीएम बहुत हाई हो जाते हैं, यहां पे हम देखेंगे तो हमारे पास यहां पे नहीं, हम कैन नॉट रन एट हायर स्पीड, यहां पे हायर स्पीड पे नहीं चला सकते। इट्स डिलीवरी इज कंटीन्यूअस, इसमें कंटीन्यूअस डिलीवरी है, इसमें पल्सेटिंग डिलीवरी है, पल्सेटिंग कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा हमें पानी। इसमें देखेंगे तो हमारे पास, ये मैंने अभी समझाया नहीं, आपको समझा दूंगा, नो एयर वेसल इज यूज्ड, कोई एयर वेसल इसमें यूज नहीं होता। एयर वेसल क्या होता है अभी सब समझा देता हूं, डोंट वरी, एयर वेसल इसमें चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है, इसमें प्राइमिंग की जरूरत पड़ती है कि पानी के अंदर डूबा रहे हमेशा, इसमें कोई भी प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें इट हैज लेस एफिशिएंसी, इट हैज मोर एफिशिएंसी, इसके बारे में लिखेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास पॉइंट्स है बेटा, इसके अलावा भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्या है पॉइंट्स, ये देखिए इसको लिखिए। इसमें हमारे पास जो है वो जो रोटरी मोशन, मतलब हमारे पास रोटेशन हो रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है, तो इसमें स्लाइडिंग पार्ट ज्यादा है, इसमें स्लाइडिंग पार्ट नहीं है, नो स्लाइडिंग पार्ट, इसमें क्या है, नो स्लाइडिंग पार्ट, स्लाइडिंग पार्ट, स्लाइड नहीं हो रहा, इसलिए ल्यूब्रिकेशन वगैरह उनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। और इसमें स्लाइडिंग पार्ट होते हैं, इट हैज स्लाइडिंग पार्ट्स, तभी तो हमारे पास जो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस पड़ता है बेटा, स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। इसमें जो होती है वो बैलेंसिंग अच्छी हो रखी होती है, क्योंकि रोटेशन हो रही है, जैसे फैन है, फैन बहुत कम होता है कि हमारे पास वो उसकी बैलेंसिंग खराब हो, वो अलग बात है, हम खुद ही अगर फैन को टेढ़ा मेढ़ा कर दें, कुछ पंगा ले लें, उस फैन के ब्लेड से अगर मोड़ दें तो वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास कभी फैन की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती, कभी भी ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी की है कि यार सर हमारा फैन है 10 दिन हो गए ऑयलिंग नहीं की, या 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए ऑयलिंग नहीं, कुछ नहीं जरूरत पड़ती, चल रहा है भाई,
मस्त चल रहा है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती हमें कोई ऑयलिंग की, और कभी भी ऐसे हिलता नहीं है। अब वो अलग बात है कि आप पंगे ले लोगे तो वो जो है बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इट हैज ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंसिंग बैलेंसिंग होती है इसमें। लेकिन इसमें हमारे पास देखोगे तो वही इंजन वाले केसेस आगे बेटा, इंजन वाले केसेस में क्या है, इंजन झटका लगाएगा, जोर लगाएगा, ऐसे चलता है ना, कभी तो सक्शन, कभी कंप्रेशन, कभी ऐसे चलता था इंजन, झटका लगता था। इसमें बैलेंसिंग इसी तरह हमारे पास, कभी तो सक्शन वाल्व से पानी आ रहा है, कभी वो डिलीवरी वाल्व में पानी दे रहा है, तो झटके अलग अलग तरह के लगते हैं, इसमें बैलेंसिंग नहीं होती। इट हैज बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आती है इसमें। ये सारे पार्ट ये जो चीजें हैं वो लिखते जाइए मेरे साथ साथ, नहीं तो मैं आपको ये पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, मोस्टली यही जी बातें जो है वो पूछी जाती हैं कि इसमें ये चीज होती है या नहीं होती है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है, तो स्लाइडिंग पार्ट होंगे तो भाई साहब फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग पार्ट में ही ज्यादा होगी। बात समझ आएगी बेटा, बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है उसकी एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो एग्जांपल्स लिख लेंगे बेटा, तो ये कहां कहां हम देख सकते हैं इसको, एग्जांपल्स। सबसे पहले तो बेटा आप जब हैंडपंप की बात करते हो, हैंडपंप तो पता है ना आपको पानी ऐसे भरने के लिए जो, ठीक है, हम नॉर्मली पहले देखते थे, आजकल तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया वो। ठीक है, पानी इतना नीचे चला जा चुका है, अब नहीं भाई हैंडपंप से बाहर आता। ठीक है, तो हैंडपंप उसमें आप देखोगे तो वो भी हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, उसको अगर देखोगे तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। आप साइकिल में हवा भरते हो ना बेटा, साइकिल में हवा फिल करते हो, तो वो भी तो हमारे पास होता है, साइकिल वाले पंप जो होते हैं, मैं इसमें लिख देता हूं। ठीक है, साइकिल पंप्स ऐसे लिख देता हूं, साइकिल के जो पंप्स होते हैं वो भी तो इसके एग्जाम्पल है, साइकिल वाले पंप्स जो होते हैं वो भी इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे पास हाँ एक वो आप देखते हो स्टोव के अंदर हमारे पास जब पंप लगाते हैं ना, आप देखे स्टोव जिसमें केरोसिन ऑयल डालते हैं उसको पंप अप करते हैं, तो वो भी हमारे पास केरोसिन पंप्स। एक और भी होते हैं ना बहुत सारे केरोसिन पंप्स, इस तरह भी हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पुराने टाइम में अभी भी कई जगह पे जो कुएं में से पानी निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है, और इवन हम देखें तो हमारे पास ऑयल में, जब ऑयल फील्ड में हम देखते हैं तो वहां पे भी हमारे पास देता है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में आता है। ओके, ये हो गया बेटा, ये हो गया ड्रिलिंग ऑपरेशन में आना, ड्रिलिंग ऑपरेशन में लिख लो नहीं तो इसको, ठीक है, इसको ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी यूज करते हैं, ड्रिलिंग जब हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल फील्ड में इसको यूज करते हैं, तो इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आगे चले, ओके आगे चलते हैं, सॉरी Just hold on with you. ओके, आगे चलते हैं बेटा, इन चीजों को और ज्यादा समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में बातें करेंगे। चलो देखिए बेटा, इसके अलावा जो हमारे पास है कि हमारे पास बेटा इसमें अगर आप एक डायग्राम की बात करो कि हमारे पास डायग्राम किस तरह का बनेगा, कि हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, कितने डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो उसके बारे में बातें कर लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें फोर्स लगाते हैं, मतलब हमारे पास डिस्चार्ज कितना हो रहा है, और दूसरी तरफ हम क्रैंक का एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप लिख लीजिए, इस तरह से बना लेंगे चार्ट, ठीक है, डायग्राम ग्राफ इस तरह से बना लेंगे, ये बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रैंक का एंगल,
एंगल, मतलब हमारे पास क्रैंक किस तरह से कितने एंगल पे घूम रहा है, थीटा, ठीक है। और यहां पे हम लिख लेंगे, यहां पे हमारे पास क्या है, ये इस तरह से बढ़ता हुआ कि हमारे पास डिस्चार्ज कितना मिल रहा है, डिस्चार्ज कितना मिल रहा है, ओके, डिस्चार्ज कितना मिल रहा है। अब मेरे पास देखोगे तो हमारे पास यहां पे देखिए 90 डिग्री, यहां पे हमारे पास 180 डिग्री, यहां पे हमारे पास 270 डिग्री और यहां पे हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से डिग्री आप दिखाओगे कितने डिग्री पे ये मूव कर रहा है। इसके बाद मेरे बच्चे आप देखोगे तो हमारे पास, अगर देखोगे ना बेटा क्रैंक की केस में, ये इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए क्रैंक यहां पे था, स्टार्टिंग में यहां पे था, सक्शन यहां पे, ये पिस्टन यहां पे था, सक्शन अभी स्टार्ट होनी है, तो यहां पे जब ये पीछे लेके जाएगा, ये देखो पीछे लेके जाएगा यहां पे, तो क्रैंक 180 डिग्री मूव कर जाएगा बेटा। क्रैंक जो है वो यहां पे था मान लीजिए पहले, और पिस्टन यहां पे था, जब इसने मूव किया के 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री यहां पे आ गया क्रैंक, और पिस्टन यहां पे पहुंच गया, सक्शन हो गई, लेकिन डिस्चार्ज मिला? नो, हमें कोई डिस्चार्ज नहीं मिला, कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब क्रैंक वापस लेके जाएगा, क्रैंक जो है वापस इधर से जाएगा वापस, तो आगे धक्का लगाएगा, डिस्चार्ज मिलेगा, तब हमारे पास डिस्चार्ज होगा, तो हम दिखा देंगे कि भाई साहब उसके बाद हमें डिस्चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें डिस्चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसको आप दिखाओगे इस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं कि ये हमारे पास ये देखेंगे तो ये 180 डिग्री के बाद हमें डिस्चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले हमें डिस्चार्ज नहीं मिला है। ये इतना जो है हम दिखा देंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं मिल रहा, इसके बाद हम दिखाएंगे कि हमारे पास डिस्चार्ज मिल रहा है, ये हमारे पास डिस्चार्ज मिल रहा है, ओके। ये देखिए इस तरह से लीजिए, एक मिनट, ये देखिए बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, यहां पे इस तरह से ग्राफ आप बनाओगे तो यहां पे क्या मिल रहा है, हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, डिस्चार्ज मिल रहा है यहां पे, इसमें डिस्चार्ज, तो यहां पे क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, यहां पे सक्शन हो रही थी। इसको डिस्चार्ज की जगह आप ये भी बोल सकते हो कि डिलीवरी मिल रही है, आपको डिस्चार्ज अलग वर्ड आ जाता है ना, इसलिए इसको आप लिख लो कि हमारे पास डिलीवरी हो रही है यहां पे, डिलीवरी। तो आप इस तरह से इसी को दिखा देंगे, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई, ओके नेक्स्ट चलते बेटा। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जस्ट होल्ड ऑन, उसके बाद हाँ ये यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से, हाँ पार्ट्स लिख लें बेटा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके नाम लिख लें, हमारे पास पहले लिख लिया है, समझ लिया है हमने, फिर भी हमारे पास जो है पार्ट्स लिख लेते हैं, हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं इसको लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास क्या है कि उसमें पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, सिलेंडर है, और हमारे पास क्या है, क्रैंक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो मेन पार्ट्स इसके माने जाते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर है, पिस्टन है, क्रैंक है, ये सक्शन है, डिलीवरी वाल्व है, ये सारा कुछ आ जाता है, तो इसमें लिख लेंगे हम क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में लिख लीजिए। तो हमारे पास कौन सा है कि पिस्टन है, सिलेंडर है, सबसे पहले तो सिलेंडर पिस्टन, ठीक है, सिलेंडर है, पिस्टन है, उसके अलावा क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, तो सारी चीजें कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स इसके आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं इसके बाद, तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्या है कि सक्शन और डिलीवरी पाइप है, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप है, थर्ड हमारे पास डिलीवरी पाइप है, और इसके अलावा हमारे पास सक्शन वॉल्व है, और हमारे पास डिलीवरी वॉल्व है,
सक्शन वॉल्व, ये बहुत अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, सक्शन वॉल्व और डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट इसमें अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट होल्ड द सेकंड, पानी पी ले बेटा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे चलिए। अब देखिए बेटा, अब है इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ एक यार ये रह गया, ये रह गया, एक मैंने आपको बोला था एयर वेसल के बारे में, एक बोला था मैंने आपको एयर वेसल के बारे में कि एयर वेसल होता है इसके अंदर। बेटा यहाँ पे देखोगे तो ये एयर वेसल लगे हुए हैं, ये देखिए एयर वेसल लगे हुए। तो एक्चुअल में है ये, कोई झूठ नहीं है कि हम इसी में, अगर हम कहें कि सर ये तो डायग्राम में है, एक्चुअल में भी होते हैं ये सारी चीजें, एक्चुअल में होती है। होता क्या है एयर वेसल, हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे सक्शन वॉल्व और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्व दोनों के साथ एक यहाँ पे अटैच करते हैं एयर वेसल। वेसल क्या, अलग एक छोटा सा मान लीजिए जगह है जहां पे एयर है, बस सिंपल सी बात, जहां पे एयर है। हमने जब यहाँ पे सक्शन किया तो पानी जब हमारे पास यहाँ पे जाएगा तो कुछ पानी यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एयर थी, यहाँ पे तो एयर थी, तो होगा क्या, ये जो एयर है इसको पानी जो है, यहाँ पे जो एयर है बेटा इसको, ये वाला पानी जो है इसको एक प्रेशर डालेगा, यहाँ पे फोर्स डालेगा कि ये ऊपर की ओर जाए और इस एयर को दबाएगा, इस एयर को दबाएगा कि एयर दबे। एयर जब दबेगी यहां पे सक्शन होगा, यहां पे दबेगी, लेकिन वही एयर जब हमारे पास वापस बैक प्रेशर देगी, क्योंकि भाई उसने तो प्रेशर जब छोड़ना है, क्योंकि एयर एक टाइम होगा कि वे एयर दब रही है, दब रही है, दब रही है, लेकिन उसके बाद वही एयर आपको एक प्रेशर फोर्स देगी और हमारे पास यहां पे फायदा देगी। यहां पे होता क्यों है ये हम कहें तो, ये बेटा हमारे पास अचानक से एक्सेलरेशन जो बढ़ती है फ्लूड की, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें यहां ये यूज करना पड़ता है एयर वेसल। इसी तरह हमारे पास डिलीवरी पाइप में भी हम यूज करते हैं। डिलीवरी पाइप में अगर देखोगे तो यहां पे क्या होगा, सेम वहीं पे एयर जो है वो दबेगी, एयर दबने के बाद फिर से प्रेशर मिलेगा और यहां पे हमें फ्लूड मिलेगा। तो एयर हमारे पास एक तरह से प्रेशर डेवलप करने के लिए अलग से एक कंपोनेंट लगा दिया, ये एयर वेसल होता है। ये देखिए हमारे पास यहां पे भी एयर जो है वो दबाव में आएगी और फोर्स इसके ऊपर डेवलप होगा, इस तरह से हम दिखा देंगे कि यहां पे पानी जो है इसको दबा रहा है, दबा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ये देखिए इसकी डेफिनेशन जो है इसको आप लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में समझ लीजिए। एयर वेसल इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, एयर वेसल जो है आर यूज्ड टू रिड्यूस एक्सेलरेशन टू अ मिनिमम। एक्सेलरेशन जो अचानक से एक्सेलरेट कर रहा है पानी, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ रही है, उसको रिड्यूस करता है। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप द एयर वेसल इज अ क्लोज्ड चैम्बर, क्लोज चैम्बर है मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बना है विद अ बेस अपर्चर। बेस अपर्चर क्या है कि मान लीजिए बेस जो है वो एक अपर्चर की तरह एक होल है, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा होल है, मतलब यहाँ पे वेसल है और इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे होल है जहां से पानी अंदर घुसेगा। दीज आर अटैच्ड टू द पंप सक्शन एंड डिलीवरी पाइप नॉट फार फ्रॉम द सिलेंडर, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं लगाते हैं, सिलेंडर के आसपास ही इसको लगाते हैं, इसके आसपास ही लगाते हैं। क्यों, ताकि हमारी जो एक्सेलरेशन हो रही है, पानी जो अचानक से एक्सेलरेट करता है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये हमारे पास एयर वेसल होता है। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेन बात पे कि हमारे पास ये होगा, ये बातें मैंने की, ठीक है, ये बातें मैंने की। एक बार दोबारा मुझे ना यहाँ पे ये चाहिए डायग्राम, तो मैं डायग्राम उठा लेता हूँ यहाँ से, जस्ट होल्ड अ सेकंड बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे उठा लेते हैं इस डायग्राम को। ये डायग्राम हम यहाँ पे चाहिए मुझे, आ जाइए।
ये देखिए, अब बेटा हम दोबारा करते हैं सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे आते हैं, वापस आ जाते हैं। अब बेटा हमने करना हर चीज कर क्यों रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये देखो ये होती है एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होती है जो हमें हर इंजीनियर को या आम आदमी को भी अगर पता हो तो अच्छी बात है। लेकिन एक इंजीनियर को कैसे पता चले करना क्या है, इंजीनियर साहब ने ये करना है कि भाई साहब इसको चलाना है, इसको चलाने के लिए चाहिए पावर, बात समझ रहे हो, पावर चाहिए इसको चलाने के लिए, पावर चाहिए, वही पावर तो हमें निकाल के देनी है कि पावर कितनी चाहिए इसको चलाने के लिए। अब आपको सर बना के देख लें, चला के देख लें, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे तो नहीं होता ना। हम क्या करें कि देखो सीधी सी बात है, इंसान दिमाग अगर चलाए तो सब कुछ सॉल्व कर लेता है। मैं अगर मान लीजिए यहां पर अनाज की बोरी पड़ी है और 50 किलो की पड़ी है, अनाज की बोरी और 50 किलो की है, मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे हैं कम से कम 50-60, तो मैं ना सबसे पहले ऐसे देखूंगा कि भाई किस थोड़ा सा तगड़ा कौन सा है इसमें से, तो तगड़ा सा बॉडी बिल्डर सा लगेगा उसको, इधर आ बेटा, हाँ जी बेटा ये अनाज की बोरी उठा देगा, हाँ जी उठा दूंगा, मुझे पहले ही पता है, उसका बॉडी देखकर ही हमने अंदाजा लगा लिया कि उसके पास पावर होगी, ठीक है, काम करने की ताकत होगी, कम समय में ज्यादा काम कर देगा, ये उसकी पावर है। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अब ये हमें पता लगे, लेकिन इसके केस में क्या पता चले, इसने करना क्या है, इसने उठाना है भाई साहब पानी उठाना है और उसको धक्का लगाना है। अगर हमें कहीं ना कहीं से पानी का वेट पता लग जाए कि पानी कितना उठाया जा रहा है, अच्छा समझो, पानी कितना उठाया जा रहा है और उसको उठाकर कितना धकेलना है, क्योंकि फोर्स, देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, मेरे पास मान लीजिए एक पानी की बॉटल है और ये है, ये भरी हुई है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर पानी जो है वो फिल्ड है, ये मैं पूरा दिखाऊं तो आपके यहां पे पूरा पानी है और पूरा फिल किया हुआ है पानी से, और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से लेके यहां तक उठाता हूं, ये देखो ऐसे उठाता हूं, ये देखो डिस्प्लेस किया मैंने, फोर्स को डिस्प्लेस किया, मैं बॉटल के वेट को एक बार नहीं ले रहा, सिर्फ पानी के वेट को ले रहा हूं, पानी जो है वो वेट है उसके अंदर, तो पानी का वेट कैसे निकाला जाए, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब आप में से जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर पढ़ना, और अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है और आपको अगर नहीं आता है तो मेरी तरफ से एक आराम से प्यार से थप्पड़ अपने आप को मार लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। पानी का वेट कैसे निकालते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं सोचूं तो क्यों बताऊं, इसका वेट कैसे निकालते हैं, डेंसिटी पता होना चाहिए ना बेटा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसके अंदर पानी है तो ये पानी को डिस्प्लेस करना, ये करना हमारा काम होगा, ये करना क्या होगा, हमारा काम होगा। और जितना हम इस पानी को इसके अंदर फिल करेंगे, ये देखो पिस्टन इतना मूव करेगा और ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, हम कह देंगे कि हमारे पास जो लेंथ है लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है, ये रहा, और ये दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे इसको तो ये तो सर्कल होगा ना बेटा, ये सर्कल होगा, ये देखो, ठीक है, इस तरह से होगा सिलेंडर, तो इसी तरह से होगा ना, तो इसका एरिया और लेंथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है, हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है कि इसका वॉल्यूम है कितना। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि वॉल्यूम है कितना, तो हम कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कितना वॉल्यूम पानी का उठाया और उसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, ताकि हमारे पास पावर निकाली जा सके, भाई साहब ये पावर कितनी रिक्वायरमेंट है इसको चलाने के लिए, क्योंकि इसको चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए होगी उतना बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा या उतनी बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी, मतलब प्राइम मूवर कह देते हैं इसको, क्योंकि इसको चलाने के लिए यहां पे हमें प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी, ये अपने आप तो चलेगा नहीं बेटा, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, ठीक है, इसको प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी, या तो हम लगाएंगे मोटर लगाएंगे या हम इंजन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे जो रोटेशन पैदा कर दे, उस रोटेशन को हम यहां पे यूज कर लेंगे। इसलिए ये कहानी सारी पढ़नी पड़ती है, तो हम इसको लिख लीजिए बेटा, इसको बड़े आराम से लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर रेवोल्यूशन,
ठीक है, वाटर इसको लिख लीजिए यहां पे साइड में, हाँ यहां पे लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना पानी आप उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कर रहे हो डिलीवर्ड पर रेवोल्यूशन, डिलीवर्ड डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर्ड पर रेवोल्यूशन, एक एक पर रेवोल्यूशन कितना आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उतना ही तो पानी डिलीवर कर रहे हो एक रेवोल्यूशन में, तो आप कहोगे कि यह क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही तो आप डिलीवर करोगे, खींचोगे भरी जाएगी, यहां पे सिरिंज है ये लगा लो कि यहां पे एक सिरिंज है और इस सिरिंज के अंदर आप पानी भर रहे हो, सिरिंज सिरिंज नहीं, ओके तो हमारे पास नहीं है बिल्कुल सॉरी, तो हम क्या करते हैं पिचकारी भरेंगे, जितनी भरेगी फुल भर लेंगे हम तो कोशिश करेंगे पूरी भरी जाए पिचकारी एक बार में, तो जितनी आपने भरी वही तो हमारे पास एक बार में हर रेवोल्यूशन में हम इसको देंगे, तो हमारे पास इसकी पिचकारी का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वो कैसे निकलेगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ये क्या होता है एरिया, ये क्या होता है हमारे पास एरिया, डी हम कैपिटल लिख लो इसको, डी हमारे पास कैपिटल लिख लो, पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एल, L क्या है हमारे पास, L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक कितना है हमारे पास, स्ट्रोक कितना है, तो इसको लिख लें कहीं पे, ठीक है, D क्या है डाया ऑफ सिलेंडर, डाया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डाया है, L क्या है स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, इसीलिए बेटा एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हैं, जुड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कभी ना कभी ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, एरिया वॉल्यूम मैथ्स में पढ़ा है, कभी ना कभी हम सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, क्रैंक के बारे में पढ़ते हैं, आईसी इंजन में पढ़ा हुआ है, काम कहाँ आ रहा है फ्लूइड मशीनरी में, और आप में से कोई कहते मुझे तो वो नहीं आता ये आता है, ऐसा नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई, तो ये कर दो बेटा पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, तो ये क्या आ गया स्ट्रोक लेंथ हो गया, ये इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे क्या है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वही जो चीज है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और वही जो चीज है कि कितना आप रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना वॉल्यूम जो है वो डिलीवर कर रहे हो, सिंपल सी बात बेटा। अब देखो हमारे पास कहानी आगे क्या चलती है, अब डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ऑफ वाटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, अब पूरी बात सुनो क्या कह रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर डिस्चार्ज कर रहा है लेकिन वो वाटर पर सेकेंड कर रहा है, पर सेकेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे देखो, क्यू क्यू हमारे पास कैसे निकलेंगे, क्यू हमारे पास कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा कि पाई बाय फोर, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, ये किस में कर रहा है, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में कितनी कर रहा है, इतना ही वॉल्यूम डिस्चार्ज कर रहा है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर रेवोल्यूशन इतना कर रहा है, हमारे पास रेवोल्यूशन है कितने, एन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में इतना, दो रेवोल्यूशन में दो गुना, तीन रेवोल्यूशन में तीन गुना, चार रेवोल्यूशन में चार गुना, तो एन रेवोल्यूशन में एन गुना, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये क्या है आरपीएम, एम एम क्या होता है मिनट, उसको सेकेंड में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो इसको अगर देखें तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एरिया, ये क्या होता है एरिया, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, इंटू एन, ठीक है, एन बाय 60, बाय 60, तो एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, तो हमारे पास क्या आ जाता है 60 के बराबर आ जाता है, तो क्यू हमारे पास इस तरह से निकल जाता है बेटा, अब ये खत्म हो गया काम, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं बेटा, ठीक है, आप इसी को नोट कर ले बेटा, इसी को नोट कर लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ये लीजिए बेटा,
ये क्यू आ गया हमारे पास, और इसके क्या यूनिट्स बन जाएंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या इसके यूनिट्स है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इतना डिस्चार्ज हमें पर सेकेंड मिल रहा है, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड हमें मिल रहा है। अब देखो वेट कितना बनेगा, अब हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया वॉल्यूम, ये क्या आ गया वॉल्यूम। वेट कैसे निकाले, वेट कैसे निकाले, वो तो बड़ा आसान है। कैसे, देखो कैसे है, क्योंकि हमने फ्लूइड मशीनरी फ्लूइड मैकेनिक सब कुछ पढ़ रखा है, इसलिए आसान है। वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड। तो हमारे पास एक सेकेंड में कितना मास इनटू ग्रेविटी हम कहते हैं बेटा, लेकिन सेकेंड से डिवाइड करें, टाइम से डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा m डॉट g। और ये हम अगर देखें तो हमारे पास ये सब कुछ हमने पहले भी किया हुआ बेटा। रो क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम इस तरह से करते हैं बेटा, ठीक है, वॉल्यूम इधर ले जाते हैं, तो ये वॉल्यूम आ गया बेटा। तो ये बन जाएगा मास हमारे पास, इसको टाइम से डिवाइड कर दें, हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एम डॉट बन जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पर टाइम, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या बनता है, रो इंटू क्यू, ये क्या वॉल्यूम है ना बेटा, वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, क्यू। तो ये एम बन जाएगा, एम डॉट बन जाएगा, तो एम डॉट की जगह क्या आ जाएगा, रो क्यू जी, इस तरह से रो क्यू जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बना, दोबारा सुन लो, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है, वो याद रखें। वॉल्यूम इधर चला जाएगा, वॉल्यूम इधर, दोनों को टी से डिवाइड कर दे। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, नीचे हमारे पास टाइम है, मीटर क्यूब पर सेकंड क्या होता है, क्यू। क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज। रो इंटू क्यू क्या कर दिया, यहां एम डॉट बन गया, एम अपॉन टी क्या बन गया, एम डॉट, ठीक है, एम डॉट बन गया। ये देखो अब तो ठीक है, अब सही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखो एम अपॉन टी क्या बन गया, एम डॉट, ये देखो। तो एम डॉट हमारे पास क्या आ गया, रो इंटू क्यू इंटू जी, ये हमारे पास इतना वॉल्यूम ये निकल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास इतना वॉल्यूम निकल रहा है। आगे चले बेटा, चलो, ठीक है, ये हमारे पास इतना वॉल्यूम निकल रहा है। अब देखो हमारे पास सिंपल सी बात, कि हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, जितना वेट होगा, जितना आपके पास वेट होगा उतना ही तो आप उसको जोर लगाएंगे। क्या हो रहा है, बात को समझ के देखो, देखो एक बार तो यहां पर लिखो बेटा, एक बार तो यहां पे लिखो, ये देखो ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिखूं, रो क्यू जी, इस तरह से लिख दिया बेटा। अब रो क्यू, क्यू हमारे पास ये फॉर्मूला है, एल ए एन बाय 60, ठीक है, बाय 60, ये फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आ जाता है, ये फॉर्मूला हमारे पास, रो एक रह गया, जी रह गया, ये रहा जी, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, कितना कि वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड। तो हम इसको लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है यहां पे, ये वाला, वेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, बात क्या है, यही तो वाटर है, वेट है, जिसको हमने डिस्प्लेस कर रहे हैं, जितना ये वेट होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा। मैं तो आपको कह रहा हूं, मेरे पास अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं इधर आइयो भाई, बेटा इधर आना, हाँ जी सर, ये पानी उठाना, पानी उसको लगेगा कि पानी की बोतल होगी, वहां पे मैं इतनी बड़ी बाल्टी पानी की रख दू, बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली बाल्टी को रख दू, कहूंगा सर मेरे अकेले से नहीं उठाया जाएगा, क्यों, मेरे पास इतना फोर्स नहीं है, जितना ये वेट है उतना ही तो फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा, वही फोर्स यही है, वही फोर्स क्या है, ये है, और इसको डिस्प्लेस करना है हमें, इसको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। तो इसको लिख लेंगे बेटा, देखिए फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट
टू लिफ्ट वॉटर, तो हम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, तो वो क्या है, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो वो कितना होगा, जितना वेट ऑफ वॉटर है। ठीक है, समझिए बात, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि वेट ऑफ वॉटर डिलीवर्ड पर सेकेंड, डिलीवर्ड पर सेकेंड, पर सेकेंड, वही तो है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जितना हमारे पास वो वैल्यू था, रो एल ए एन इंटू जी बाय 60, यही तो फॉर्मूला था। और आपने अगर देखोगे तो कितना आपने उसको डिस्प्लेस करना है, नीचे से उठा के ऊपर लेके जाना है, नीचे से उठाकर एक्चुअल में देखा जाए करना क्या है, अपने नीचे से उठाकर ऊपर तक लेके जाना है, ये है पूरी डिस्प्लेसमेंट, कि आपने पानी इतना डिस्प्लेस करना है, इतनी हाइट पे लेके जाना है उसको। तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर, वॉटर की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जितना उसका सक्शन हेड है और जितना उसका डिलीवरी हेड है, बस इस दोनों को ऐड कर दो और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पावर चाहिए। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो मेरे बच्चे देखो ये क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड पर सेकंड है ना, ये इसको पर सेकंड लिख देंगे बेटा, ठीक है, पर सेकंड रीजन है इसको करने का, कुछ रीजन है। देखो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर कितनी रिक्वायर्ड है, पावर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी, फिर पावर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी, मैं बच्चों की तरह समझाता हूं, वर्क डन अपॉन टाइम ये होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स अपॉन टाइम ये हमारे पास निकाला हुआ है, हमने फोर्स अपॉन टाइम हमने निकाला हुआ है, ये रहा, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो हमारे पास फोर्स है रो एल ए एन जी अपॉन 60, ये है, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा डी एच एस प्लस एच डी, दैट्स इट। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। इसको रो और जी को साथ में लिख दो तो एक ही बात है बेटा, कभी कभी फॉर्मूला आप रट्टा मारना होता है ना जब, तो जी बाद में नहीं, यहां पे एक साथ बोलना अच्छा लगता है, रो जी ऐसे बोलना आसान लगता है, रो जी याद कर लो, रो जी एल ए एन, ठीक है, तो रो जी एल ए एन अपॉन 60। तो हमारे पास इस तरह से, और ये पावर रिक्वायर्ड है, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप, टू ड्राइव पंप, पंप को चलाने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है पावर की, पावर की इतनी रिक्वायरमेंट है। और उसके यूनिट्स जो आएंगे वो आएंगे किलोवाट में, किलोवाट में, किलोवाट में, ठीक है मेरे बच्चे, वो क्या आएंगे, किलोवाट में। चलो लिख लो इसको, ओके ओके बच्चे जल्दी से लिख लो इसको, फिर हम आगे करें, आगे चलते हैं फिर। चलो ठीक है, अब हमारे पास, हमारे पास अगर देखोगे तो भाई साहब, हम एक होते हैं, ये जो हमने किया ना ये सारा कुछ, ये एक और वर्ड आप इसके साथ जोड़ देना बेटा, ठीक है। तो यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप लिखा था, तो ये कौन सा है, सिंगल एक्टिंग, क्योंकि ये सिंगल एक्टिंग है, सिंगल एक्टिंग है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ओके, ये सिंगल एक्टिंग है। अब डबल एक्टिंग कैसे होगा, डबल एक्टिंग का मतलब दोनों तरफ से हमारे पास डिलीवरी मिले, हमें दोनों तरफ से डिलीवरी मिले, तो उसको आप देख सकते हो यहां पर,
यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास मेरे बच्चे इस साइड भी हमारे पास सक्शन वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व है, यहां पे भी सक्शन वॉल्व डिलीवरी वॉल्व, कि हमारे पास जब पिस्टन इधर जाएगा तो इधर डिलीवरी मिल जाए, सक्शन यहां हो जाए, सक्शन यहां हो जाएगा, यहां पर डिलीवरी, जब हमारे पास इधर होगा इधर धक्का देगा, इधर डिलीवरी हो जाएगी, इधर सक्शन हो जाएगी, दोनों तरफ से हमारा काम चले। तो इसको हम कह देते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये हमारे पास होता है डबल एक्टिंग, ये हमारे पास होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसके केस में करना क्या है, करना कुछ नहीं, टू से मल्टीप्लाई करना है, पावर रिक्वायर्ड डबल हो जाएगी बेटा, पावर रिक्वायर्ड, क्योंकि दोनों तरफ से हमें पानी उठाना है, दोनों तरफ से हमें धक्का देना है, तो पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप, पंप चलाने के लिए क्या है, डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करेंगे, टू इंटू रो जी एल ए एन अपॉन 60 और साथ में एच एस प्लस एच डी। लीजिए मेरे भाई साहब, ये पावर की रिक्वायरमेंट होगी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। आगे चले बेटा, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो चीजों को, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। और इसमें एक टॉपिक छोटा सा है और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको लिख लो, स्लिप करना, फिसलना क्या, मैं इसमें फिसलन क्या है, जैसे देख लीजिए, स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, तो ये क्या है, स्लिप क्या है, देखो बेटा, हम डिस्चार्ज जब निकालते हैं, स्लिप क्या होगा, ठीक है, तो हम जब डिस्चार्ज निकालते हैं तो हमारे पास थ्योरेटिकल बातें कुछ और होती हैं और एक्चुअल में कुछ और होती है, और हमेशा यही होता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज जो है थ्योरेटिकल से मोस्टली यही होता है कि कम होता है। तो हमारे पास लिख लीजिए, whenever we calculate discharge by formulas that is क्या, कि हम theoretically हम करते हैं, अभी तक कुछ नहीं करा, theoretical है सब बातें, theoretical, ठीक है, by formulas then the value of discharge will be high, but when actual discharge will be there It will be less. तो वो कम होगा, जैसे सच में कॉलेज में होते हैं ना, कॉलेज में तेरा भाई ये कर देगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा जिंदगी में, तेरे भाई को देखियो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में वो ऑल्टो गाड़ी होती है ना जो, ठीक है, ऑल्टो खरीदनी भी मुश्किल हो जाती है कि यार ऑल्टो तो कम से कम 4-5 लाख की है, इतना तो बजट नहीं है भाई, तेरे की 30,000 तो सैलरी है, 30,000 में तू 10,000 तो रेंट दे रहा हूँ और घर के खर्चे भी हैं, किस्त कहाँ से निकालूंगा तो एक्चुअल में बातें कुछ और हो जाती हैं, थ्योरेटिकल कुछ और होती हैं, कॉलेज लाइफ थ्योरेटिकल है और जब कॉलेज के बाद की एक्चुअल जिंदगी चलती है तो तब स्लिप मारते हो कि यार बातें जो कही थे ना वो स्लिप मार गया मैं उससे। तो ये क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस
बिटवीन बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल इज कॉल्ड स्लिप, कॉल्ड स्लिप। ठीक है, तो स्लिप क्या हो गया हमारे पास, स्लिप हो गया Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल, Q एक्चुअल। तो ये हमारे पास आ गया क्या, स्लिप आ गया, स्लिप आ गया। ठीक है बेटा, इसमें कई बार पूछता है क्या परसेंटेज ऑफ स्लिप, परसेंटेज ऑफ स्लिप, स्लिप कितना परसेंट स्लिप हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा कि थ्योरेटिकल हम जितना निकलेगा एक्चुअल निकलेगा अपॉन थ्योरेटिकल कर देंगे, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। तो इसको लिखोगे तो वन माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं बेटा इंटू हंड्रेड कर देते हैं, इंटू हंड्रेड क्यों, क्योंकि परसेंटेज जब हम निकालते हैं इंटू हंड्रेड, जैसे आप मार्क्स निकालते हो अपने वो थ्योरेटिकली निकालते हैं। लेकिन एक होता है बेटा, आपने याद होगा आपको कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज याद करोगे एक बार, याद है या नहीं आपको कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, याद अगर आता है आपको तो। एक होता था कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, ऑफ डिस्चार्ज। तो हमारे पास वो क्या था, सीडी, सीडी कि हमने वहां पे जो सीडी निकाला था वो याद करो, वहां पे एक्चुअल कुछ निकाला था, थ्योरेटिकल कुछ निकाला था, एक्चुअल कम निकल रहा था, तो सीडी कुछ और था, सीडी कुछ और था, याद करो हमने थ्योरेटिकली वैल्यू ज्यादा निकाल ली थी, एक्चुअली कम निकल रही है, एक्चुअली कम निकल रही है। यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस चीजें हैं, तो डिफरेंस है जो चीजें उनको ध्यान में रखो, थ्योरेटिकल क्या था एक्चुअल क्या था। ठीक है, तो हम जो है सीडी, अगर हम सीडी की बात करें कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, तो उसके केस में हम लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना है, तो वो कैसे निकलेंगे, तो उसको लिखेंगे वन माइनस सीडी, वन माइनस सीडी इंटू हंड्रेड, इंटू हंड्रेड। ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। कई बार सीडी के फॉर्मूले में ये पूछा जाता है कि हमारे पास सीडी कोएफिशिएंट और डिस्चार्ज के केसेस में हम भी पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे, इसको लिख लीजिए बेटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक आ जाता है देखिए केस, अभी जल्दी से लिखवाता हूं, इसको पहले लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या होता है, एक चीज नोट करेंगे हम, आगे चलते हैं और इसमें केसेस में और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, इसमें अगर नोट करोगे तो हमारे पास Q जो है, Q एक्चुअल जो है वो कम आता है Q थ्योरेटिकल से, Q एक्चुअल जो है वो कम आता है Q थ्योरेटिकल से, थ्योरेटिकल से कम आता है। तो इसके केस में अगर देखोगे Q एक्चुअल जो है वो कम आएगा, तो CD की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी, CD की वैल्यू जो होगी वो लेस देन वन होगी, तो स्लिप जो होगा इसमें वो पॉजिटिव आएगा, परसेंटेज ऑफ स्लिप आएगा, परसेंटेज ऑफ स्लिप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक वर्ड आता है हमारे पास, एक वर्ड आता है नेगेटिव स्लिप, नेगेटिव स्लिप। अब ये क्या है नेगेटिव स्लिप, ये नेगेटिव स्लिप क्या है, जब हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ स्लिप, परसेंटेज ऑफ स्लिप जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी कैसे, नेगेटिव वैल्यू आएगी कैसे, इसमें फॉर्मूलाज में डाल के देखो, ये देखो, ये देखो हमारे पास ये अगर कम है, ये देखो एक्चुअल वैल्यू कम है, ये मैं ना आपको यहां पे करके दिखाता हूं थोड़ा सा, अगर आपको समझना है रफ आपको एक करके दिखाता हूं। ये देखो कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज स्लिप निकाल रहे हैं, वन माइनस एक्चुअल, पहले हमने क्या कहा एक्चुअल कम है, एक्चुअल कम है, मान लीजिए कि ये नो है, नाइन है, नाइन, और ये थ्योरेटिकल निकला था टेन, तो मेरे पास ये आ गया वन माइनस पॉइंट नाइन, तो ये मेरे पास क्या आ गया हमारे पास टेन, ठीक है, तो पॉइंट वन, पॉइंट वन,
पॉइंट वन मतलब हमारे पास पॉइंट वन निकल रहा है, हमारे पास ये एक्चुअल अपॉन ये वाला निकाला था। परसेंटेज स्लिप कितना है, स्लिप हमारे पास 10% की स्लिप है, 10% की स्लिप है, तो ये पॉजिटिव आ गई ना वैल्यू। 10% जो स्लिप है वो क्या आ गया, देखो एक्चुअल हमारे पास कम था, एक्चुअल क्या था हमारे पास कम, ठीक है, लेस है, लेस है, ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है, क्यू थोरेटिकल ज्यादा है, मोर है, मोर है, इसीलिए हमारे पास जो है इसमें वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव में। लेकिन अगर 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 क्या हो जाए वन माइनस, मैं कहूं कि थोरेटिकली मैंने निकाला है कि 10 निकाल रहा है डिस्चार्ज, लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा डिस्चार्ज ज्यादा मिल रहा है, वहां पे 11 मिल रहा है, अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा वन माइनस, ठीक है, ये केस हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 0.11, ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे 0.11 सॉरी पॉइंट, ये क्या आ जाएगा पॉइंट पॉइंट ये आ जाएगा 1.1, तो ये तो आ गया माइनस में आ गया बेटा, ये तो वैल्यू है माइनस में आ गई, मतलब -10% आ गया, -10% मतलब अगर हमारे पास ये -10% होगा, -10% हमारे पास आएगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ये इसको अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए तो हमारे पास क्या है ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, तो ये इसको नेगेटिव स्लिप बोल देंगे, नेगेटिव स्लिप, ठीक है, नेगेटिव, ये का क्या था पॉजिटिव स्लिप। तो आप याद कर लो, कहीं पे लिख लेंगे हम इसको, देखो पॉजिटिव स्लिप और नेगेटिव स्लिप के लिए हम इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा अलग से बना देता हूं आपको, यहां पे बनाता हूं फॉर नेगेटिव स्लिप, पहले पॉजिटिव स्लिप के लिए, पॉजिटिव स्लिप के लिए क्या है, पॉजिटिव स्लिप के लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और क्या होगा कि जो हमारे पास एक्चुअल जो होगा वो हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल से, क्यू थ्योरेटिकल से कम होगा तभी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव स्लिप होगा, जब नेगेटिव स्लिप होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो होगा कि क्यू एक्चुअल जो है वो ज्यादा निकल रहा है थ्योरेटिकल से। अब आपको सर ऐसा होता है कभी कि हमने निकाला इतना हो कि भाई इतना देगा लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्चार्ज दे रहा है, तो ये केस कहां हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारे पास जो पंप है, ये देखिए पंप है हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप है जो यहां पे मैं बना देता हूं बेटा इसको, ठीक है, यहां पे सक्शन पाइप बना देते हैं हम एक, देखिए इस तरह से सक्शन पाइप ज्यादा हो कि हमें टाइम लग रहा है सक्शन करने में, सक्शन पाइप बहुत बड़ी है, ठीक है, और डिलीवरी पाइप जो है हमारे पास, यहां पे डिलीवरी पाइप दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, डिलीवरी पाइप इसी के साथ दिखाना पड़ेगा मुझे ना, एक मिनट बैठा बच्चा, डिजाइन थोड़ा अच्छा सा बनाना पड़ेगा, नहीं तो कल को समझ नहीं आएगा बच्चों को कि ये क्या कर लिखा था आपने। ये देखो अब हमारे पास यहां पे ये ऐसे जा रहा है, और डिलीवरी पाइप हमारे पास छोटी है, डिलीवरी पाइप छोटी है, ये देखिए ऐसे डिलीवरी पाइप है, ठीक है, तो इसके केस में क्या आ जाएगा, डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, डिलीवरी पाइप या जो है इज शॉर्ट, छोटी है, ठीक है, शॉर्ट है, और हमारे पास जो हमारे पास सक्शन पाइप है लॉन्ग है, सक्शन पाइप इज लॉन्ग। तो आप क्या कर रहे हो, आप तो खींच रहे हो, ज्यादा पानी आ रहा है और भेज रहे हो, जल्दी जल्दी पहुंच रहा है वो, फिर जल्दी जल्दी पहुंच रहा है, तो हमारे पास होश मतलब बहुत कम केस होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछते हैं ये, तो उसमें सिर्फ आपने को ये बताना है कि नेगेटिव स्लिप कब होता है, जब क्यू एक्चुअल जो है वो ग्रेटर हो जाता है थ्योरेटिकल से, क्यों डिस्चार्ज जब है ज्यादा निकले हमारे पास, वो कब हो सकता है, जब डिलीवरी पाइप शॉर्ट हो, या दूसरा क्या है, ये लिख लेते हैं इसको, आप लिख लोगे नेगेटिव स्लिप अकर्स, negative slip occurs when q actual
एक्चुअल इज ग्रेटर देन क्यू थ्रेटिकल, क्यू थ्रेटिकल एंड एंड दिस हैपन्स बिकॉज हैपन्स इफ 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 पहला बात, पहली बात क्या है, स्टार लगा के आप इसको लिख लेंगे, रीजन मेन है ये, क्या रीजन है, डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, इज शॉर्ट छोटी है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट लिख लिया, एक और क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाए, अचानक से हम आरपीएम ज्यादा ही बढ़ा दें, स्पीड इज वेरी हाई, स्पीड इज वेरी हाई, तो उसके केसेस में ये केस हो सकता है कि नेगेटिव स्लिप हो जाए, तो केस हो सकता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कि हो सकता है कि ये हो जाए, ठीक है, ये केस हो सकता है, ये पूछा जाता है। और एक लास्ट है हमारे पास एक डायग्राम, जो हमारे पास डबल एक्टिंग के लिए बेटा, डबल एक्टिंग के लिए, जैसे हमने ये बनाया था ना बेटा सक्शन वाला, हमारे पास कितना डिस्चार्ज हमें मिल रहा है, हमने बनाया था ना, याद हो आपको, तो यहां पे हमारे पास था क्रैंक एंगल, यहां पे था क्रैंक एंगल, एंगल, और यहां पे था डिस्चार्ज, यहां पे एंगल, इसको I'm really sorry, एंगल, एंगल, ओके, और यहां पे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अब इस केस में हम देखेंगे तो हमें हर बार डिस्चार्ज मिल रहा है बेटा, हर बार डिस्चार्ज मिल रहा है, कि हमने सक्शन के वक्त यहां पे डिस्चार्ज, वहां पे सक्शन चल रहा है, यहां डिस्चार्ज मिल रहा है, यहां पे सक्शन मिलेगा, दूसरे में डिस्चार्ज मिल जाएगा, यहां पे डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें दिखा देंगे कि हमारे पास ये जीरो डिग्री एंगल है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री है, यहां पे 270 डिग्री है, और यहां पे 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, और इसमें हम क्या दिखा देंगे कि हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास मिल रहा है हमें पावर, तो ये क्या है, फॉर डबल एक्टिंग, फॉर डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो ये हमारे पास है बेटा। लीजिए मेरे बच्चे, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत फैमिली के या थोड़ी बहुत मेरी अपनी प्रॉब्लम के कारण मैं कभी कभी क्लास मिस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, क्लास मिस जब भी होती है तो मुझे बहुत टेंशन रहती है इसी कि क्लास मिस ना हो, ठीक है, फिर भी कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, उसी के कारण मैं कभी, मेरा 100% यही रहता है कि क्लास कभी ना छोड़ूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक मजबूरी आ जाती है कई बार, तो उसके कारण मुझे क्लास छोड़नी पड़ती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे कि मैं बीच में कभी कभी क्लास नहीं ले पाता, लेकिन मैं 100% ये कहता हूं कि आपको जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आपकी हमेशा ही पूरी करके रहूंगा, चाहे मुझे बाद में, अगर मान लीजिए आज कहीं मिस करता हूं क्लास, तो कल आने वाले टाइम में जब भी मेरे पास इनफ टाइम होता है तो मैं ज्यादा टाइम दे देता हूं, अगर हम इसको ही डबल टाइम भी कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप बात करो तो मैंने जैसे टॉम है, टॉम मैंने पहले करवा रखा है, ठीक है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ये जैसे आप पढ़ रहे हो दूसरे सर से, अंकुश सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम की लिमिटेशंस होती है इसलिए सर करवा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जिन्होंने जैसे 2 साल का भी कोर्स ले रखा है मेरे साथ, 2 साल के लिए जुड़े हुए हैं, तो ये जो आने वाले टाइम है इसमें मैं सर ने जो सब्जेक्ट कराए अगले साल मैं करवा दूंगा, वो उससे ये हो जाएगा कि आपको ये परेशानी, कुछ बच्चों को मुझे मुझसे ही पढ़ना है, कुछ बच्चों को ये कि आपसे ही पढ़ना है सर, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट कब खत्म होगा, तो कब, बस बेटा ऑलमोस्ट खत्म ही है, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट खत्म ही है, थोड़ा बहुत रहता है वो देख लूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट बार टाइम जो होगा वो आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट बार जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये अंकुश सर वाले सारे सब्जेक्ट मैं ही करवा दूंगा, तो उसमें आपको वो टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा मेरे तरफ कम देखें कि सर आप कराओगे या टाइम लग रहा है, देखो सोम
टॉम अभी नहीं हुआ ना यहाँ, मतलब लाइव नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। तो आप दूसरे फोल्डर में जाके देखोगे तो वहां पे जाके आपको मिलेगा कि लास्ट ईयर मैंने करवा रखा है। सोम अप्लाइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब कुछ करा रखा है मैंने, ठीक है, ये सब कुछ करवा रखा है। तो आप एक बार अगर आपको टाइम लग रहा है तो उनको भी पहले देख लो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत मेन चीज है बेटा। हर चीज को मैनेज करना और उसको प्रॉपर तरीके से कराना ये जरूरी होता है, ठीक है, वो जरूर देख लें आप, ठीक है, बाकी चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मैं कभी क्लास छोड़ता हूँ तो बहुत ही बड़ी मजबूरी है मेरी, और आने वाले टाइम में जल्दी आपको बताऊंगा रीजन क्या है, और उसके बाद हम उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखता हूँ बेटा कौन सा स्टार्ट कर। थैंक यू।